हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुलकबे स्मार्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर से संबंधित है और आज की वीडियो में हम 14 जुलाई के जितने भी करंट के क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम के हिसाब से, तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में खास बात ये है कि आज की वीडियो में हम दो लैंग्वेज में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। आप सभी की बहुत दिनों से डिमांड थी कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को करवाया जाए, तो हम सब आज दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और हमारे जितने भी नए यूजर जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो में जो लाल बटन सब्सक्राइब है उस पर कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन है उस पर कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे जितने भी करंट अफेयर संबंधित वीडियो है ना आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले कल हमने जो क्विज का क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके ओर सबसे पहले चलते हैं। तो कल की क्विज क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य अब कितनी भाषाओं में सदन में बोल सकेंगे। तो कितनी भाषाएं सदन में बोल सकेंगे राज्यसभा के सदस्य हैं, तो 22 भाषाएं क्या बोल सकेंगे सदन के अंदर बोल सकेंगे। पहले ये कितनी भाषाएं बोल सकते थे, तो पहले 17 लैंग्वेज को क्या बोल सकते थे, इसमें 5 और ऐड कर दी गई है, तो कितने हो गए टोटल 22 हो गए। भारतीय संविधान में जो कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 लैंग्वेज को क्या है मान्यता प्राप्त है। आज के जो करंट के क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन हमारे करंट का है वो है, भारतीय एथलेटिक के इतिहास में किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार 400 मीटर गोल्ड में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो रेस है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई गोल्ड गोल्ड, तो कौन बन गई है, तो हिमा दास बन गई है ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला। उन्होंने पीटी उषा और मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इन्होंने 400 मीटर की दौड़ केवल कितने सेकंड में, 51.46 सेकंड में क्या गया पूरी कर ली है। और इस ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली क्या बन गई, पहली भारतीय महिला बन गई है। और इन्होंने यह पदक किस में जीता है, तो इन्होंने यह पदक जो IAAF की जो वर्ल्ड अंडर 22 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इन्होंने इसमें क्या जीता है स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम हिमा दास की बात करें, तो हिमा दास का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 9 जनवरी को 2000 को असम के नौगांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और किस बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारतीय सेना और किस बैंक के बीच हस्ताक्षर हुए हैं, ये भारतीय सेना और स्टेट बैंक के बीच क्या हुई है हस्ताक्षर हुए हैं। और इस हस्ताक्षर की जो अंतिम डेट है वो क्या है, 3 जनवरी 2019 को यह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ये तब 3 जनवरी तक क्या ये वैलिड है। उसके बाद यदि इनमें समीक्षा होती है तो ये इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ICWA का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किन को यह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो जो TCA राघवन है उनको क्या गया है प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और जो ये पद है ये किसके बराबर है, तो जो भारत सरकार जो सचिव का पद है ना उसके समक्ष क्या ये पद है। अगर हम TS राघवन की बात करें, तो TS राघवन जो 1982 के जो IAF का जो IFS का जो बैच है, भारतीय विदेश सेवा का जो बैच है, उसके क्या रह चुके हैं अधिकारी रह चुके हैं। और इन्होंने अपनी सेवाएं कहाँ दी है, तो इन्होंने अपनी सेवाएं पाकिस्तान और सिंगापुर में क्या दी, अपनी सेवाएं दी है। अगर हम ICWA की बात करें, तो ये क्या है, तो जो जो विश्व मामलों के क्या है भारतीय की परिषद है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1943 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है इसका अध्यक्ष होता है। अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें, तो भारत का उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, तो इनका नाम है एम वेंकैया नायडू, क्या है भारत के उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2018 को किस शहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो किस शहर में नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो उन्होंने नई दिल्ली में क्या क्या है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा,
फोर्ब्स की अमीराज रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन 2018 सूची में भारतीय मूल की कितनी महिलाएं शामिल की गई है, तो इसमें कितनी महिलाएं इसको शामिल किया गया है भारतीय मूल की, तो ओनली दो महिलाओं क्या गया है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा एल्सवियर प्रोसेस सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जर्नल प्रकाशित अध्ययन लेख के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण किस शहर में वर्ष 2016 में 14,800 लोगों की समय पूर्व मौत हो गई है, तो कहाँ हो गई है ये मौत है? तो ये मौत हो गई दिल्ली में। दिल्ली में क्या हो गई है, प्रदूषण के कारण क्या हो गई, इन लोगों की मौत हो गई है। अगर हम इस प्रोटेक्शन जर्नल की बात करें तो इसमें जो बीजिंग है इसमें क्या है वो टॉप रैंकिंग में है। वहाँ कितने लोगों की मौत हुई है, तो 18,200 लोगों की हुई है वहाँ पे मौत हुई है। और उसके नीचे बात करते हो दूसरे नंबर पे आता है संघाई का जो शहर है उसमें क्या है 17,600 लोगों की हुई है उसमें मृत्यु हुई है। किसके कारण, प्रदूषण के कारण क्या हुई है उसमें मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हम जान लेते हैं पीएम क्या होता है। जो पीएम होता है जो प्रदूषण का उसमें क्या होता है, तो जो पीएम होता है वो क्या होता है, जो पीएम का अर्थ क्या होता है, जो पार्टिकल्स मैटर होते हैं प्रदूषण मापने के, संख्या वृद्धि को मापा जाता है। जो वायु का पीएम होता है 2.5, उसकी मात्रा कितनी होती है 60 होती है। अगर 10 हो तो कितनी होती है 100 होती है। तो सांस लेने के लिए यह क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली का पीएम मान कितना हो गया, 10 का स्तर कितना हो गया था 600 हो गया था आसपास, तो जो कि बहुत ही अपने आप में ज्यादा है, जिसे शहर की हवा सांस लेने के बेहद हानिकारक हो गई थी और कितनी नुकसानदायक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विशाखापट्टनम में 1,062 करोड़ रुपए के लागत से कितने बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो उन्होंने कितने का उद्घाटन किया है, तो उन्होंने 5 का क्या किया है उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रवेश समूह के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ किसे नियुक्त किया गया है, तो जोस एलाडीलियो को क्या किया है, यह नियुक्त किया गया है। जो उरुग्वे के मेजर है जोस एलाडीलियो क्या है, वहां के मैनेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की है, तो किस नाम से मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की हरियाणा सरकार ने, तो दुर्गा शक्ति ऐप की क्या है लॉन्चिंग की है। महिलाओं के विषय के संबंध में जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए क्या किया है, जो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी उन्होंने क्या किया दुर्गा ऐप का क्या किया है शुभारम्भ किया है, ताकि महिलाओं के प्रति जो क्राइम हो रहे हैं उनको आपको साथ रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पेमेंट बैंक ने बताया कि उसे आरबीआई से एक बार फिर नए ग्राहक जोड़ने और यूडीआई से आधारित ई केवाईसी जारी जरिए ग्राहकों को सत्यापन की मंजूरी मिल गई है, तो किस बैंक ने किया है, तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है, उनको ये मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय क्रिकेट ने 13 जुलाई 2018 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो किसने यह घोषणा की है, तो ये किए मोहम्मद कैफ ने किया यह घोषणा की है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट से टेस्ट वनडे और T20 मैच से क्या कहते हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये हमने आज करंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ से आपको कोई किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ उनको इंग्लिश में करंट अफेयर मिल जाएगी और जो हिंदी में कर रहे हैं उनको हिंदी में भी करंट अफेयर मिल जाएगी। तो आपकी सुविधा के लिए हमने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन डिस्कस करने की सोची है। तो आज के जो करंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आज के करंट क्वेश्चन है वो है, वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में पहली बार इंटरनेट टेलीफोनी सेवा की लॉन्च की है, तो आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है आप इसका राइट आंसर क्या होगा। और जितने भी हमारे नए यूजर है जो करंट अफेयर संबंधी वीडियो को सबसे पहले पाना चाहते हैं वो क्या करें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद क्या करें बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि उनको
लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और वे सभी जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज के लिए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको पीडीएफ रूप में कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का कंटेंट लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो का जो पीडीएफ है वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देते हैं। हमें इजाज़त दीजिए जाने के लिए। ओके बाय एंड टेक केयर।